My lovely students, peace be with you all. I hope you are all doing very well. You are staying home and you are staying safe. So I'm giving you a minute to open your books, chapter number 5, and page number is 46. Okay? Open your books, page number, chapter number 5, and page number 46. We studied about certain elements in the last lecture, and now it's time to study some more. ठीक है, हमने कुछ elements के बारे में पढ़ा था, कुछ usage of elements देखे थे, हमने हमने gold के बारे में, sulfur, lead, aluminium, copper, इन सब के बारे में पढ़ लिया था. Now it's time to move forward. अब हम पढ़ेंगे carbon के बारे में. Carbon in nature is found in 3 forms. ठीक है, diamond, ग्रेफाइट एंड कोल. डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल जो है बेटा, ये कार्बन की 3 फॉर्म्स हैं. ग्रेफाइट विद क्ले इज इन पेंसिल्स, इट इज वेरी सॉफ्ट. ठीक है, द कार्बन एटम मेक एटम्स अरेंज देमसेल्व्स इन द रिंग्स विच आर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड दे स्लाइड वेरी इजीली. कार्बन इज एन इनक्रेडिबल एलिमेंट. अरेंज कार्बन एटम्स इन वन वे एंड दे बिकम सॉफ्ट, देन रीजिगर देम. The rejigger the arrangement and the atoms are very hard, they become diamond. तो कार्बन एटम जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते रहते हैं. कार्बन इज एन एलिमेंट, इज अ वेरी प्रेशियस एलिमेंट. ये एक दूसरे के साथ लिंक करता रहता है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता रहता है, जिसकी वजह से ये अपनी डिफरेंट शेप्स बनाता है. एक शेप है कोल, द सेकेंड वन इज ग्रेफाइट एंड द थर्ड वन इज डायमंड. ग्रेफाइट बेटा बहुत ही सॉफ्ट है, इट इज इन योर पेंसिल्स. ठीक है, कार्बन एटम ग्रेफाइट के फॉर्म में भी फाउंड होता है. ये बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन जब कार्बन एटम्स अपने रिंग के अरेंजमेंट को थोड़ा चेंज करते हैं, वो थोड़ा सा अमेंड करते हैं, तो वो डायमंड बन जाते हैं, और डायमंड बहुत हार्ड होता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम. ठीक है, कार्बन इज बेसिकली अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल सी. कार्बन का जो सिंबल है बेटा वो सी होता है, और जो वर्ड कार्बन है, द टर्म कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज. लैटिन में कार्बो को कोल कहा जाता है, इसलिए इसका नाम कार्बन है. गॉट इट. कार्बन इज आल्सो द की इंग्रेडिएंट फॉर मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ. द पिगमेंट दैट मेड द फर्स्ट टैटूज, टैटूज का सबको पता होगा, एंड द बेसिस फॉर द टेक्नोलॉजी मार्वल सच एज ग्रेफीन विच इज मटीरियल स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड मोर फ्लेक्सीबल देन रबर. तो कार्बन की प्रॉपर्टीज तो बहुत ज्यादा है. ये ग्रेफीन बनाने में भी यूज होता है, विच इज अ मटीरियल स्ट्रॉन्गर, ठीक है, देन द स्टील एंड मोर फ्लेक्सीबल. इतना स्ट्रांग है कि स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इतना फ्लेक्सीबल, लेकिन फ्लेक्सीबल इतना है कि रबर से भी ज्यादा फ्लेक्सीबल है. ठीक है, कार्बन्स डिस्कवरी इज लॉस्ट टू हिस्ट्री, द एलिमेंट वॉज नोन टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स. ठीक है, कार्बन एज अ कोल इज अ स्टिल मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल वर्ल्ड वाइड, प्रोवाइडिंग अबाउट 30% ऑफ एनर्जी वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कोल एसोसिएशन. ऑलमोस्ट 30% ऑफ द फ्यूल, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द एनर्जी टू डिफरेंट थिंग्स, इवन टू द टू कार्स, टू मोटरसाइकिल्स इज बींग प्रोवाइडेड बाय कार्बन. Coal is also key component in steel production, while graphite, another form of carbon, is a common industrial lubricant. ठीक हो क्या? Now अब हमने इस सारे के बारे में देख लिया कि जो carbon है वो carbon basically जो है वो living tissues में भी होता है. It is used in fuel, used in lead pencils, in jewelry, for cutting, polishing, grinding and drilling. कार्बन बेटा हमारे सेल्स जो हैं वो भी कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से ही बने हैं, वो भी उनके उनके कंपाउंड से मिलकर बने हैं. ठीक है, तो कार्बन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फ्रॉम लिविंग थिंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें जो हैं उनमें कार्बन जरूर होता है. ठीक है, नाउ आई एम एट पेज नंबर 46. अब मैं हाइड्रोजन गैस के ऊपर हूँ. गॉट इट, हाइड्रोजन गैस. Now we the hydrogen atom is the lightest element in the universe. It is also the most abundant element in the universe, making up to 90% of known matter. Matter is everything that is occupying us. Matter तो वो हर चीज है जिसने space occupy की हुई है हमारे इर्द गिर्द.
ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है उसने 90% उस मैटर को कंपोज किया हुआ है. कैन यू इमेजिन, 90% ऑफ द मैटर विच इज सराउंडिंग अस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन. द अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑन अर्थ, मिनिमल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स यूज एंड द नीड टू रिप्लेस द आइडियल फ्यूल फॉर द फ्यूचर. दिस इज द हाइड्रोजन इकोनॉमी, अ विजन ऑफ अ क्लीन एंड लोकली प्रोड्यूस्ड एनर्जी फ्यूचर. अच्छा, अब आपको ये स्लाइड के ऊपर बॉटम एक पिक्चर नजर आ रही होगी. इट इज अबाउट अ रॉकेट लॉन्च. कैन प्लीज सी इट क्लियरली. रॉकेट लॉन्च के बारे में एक पिक्चर दी गई हुई है स्लाइड के बिल्कुल बॉटम में. यू मे वंडर व्हाट द रॉकेट फ्यूल इज मेड ऑफ. द मेन इंजन्स आर लाइक मोर लाइकली टू बी प्रोपेल्ड बाय लिक्विड फ्लूइड. अच्छा, अब देखें, जो लिक्विड फ्यूल है ना, इस रॉकेट में यूज किया जाता है. और ये जो फ्यूल है ये बनता है लिक्विड हाइड्रोजन से. ठीक है, लिक्विड फ्यूल इंजन्स आर कंपोज्ड ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन. द लिक्विड हाइड्रोजन इज द फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजर जो उसको जलने में यूज होता है. रिमेंबर, द ऑक्सीडाइजर हेल्प्स द फ्लूइड फ्यूल बर्न. द हाइड्रोजन नीड्स टू बी इन लिक्विड फॉर्म नॉट गैस फॉर्म. हाइड्रोजन जो है एक्चुअली में गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब रॉकेट्स के अंदर वो एज अ फ्यूल इंसर्ट किया जाता है तो तब वो लिक्विड की फॉर्म में होती है. गैसेज आर वेरी लाइट वेट, सो इट वुड टेक अ लार्जर टैंक टू होल्ड हाइड्रोजन गैस देन इट वुड बी टू होल्ड लिक्विड हाइड्रोजन. द लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिलीज इन टू द इंजन वेर दे बिगेन टू कम्बाइन टू मेक वाटर. Just like the solid fuel, the water vapor evaporates, engine and energy and steam. The steam is released to make the rocket go upward. जैसे ही फ्यूल्स को बर्न किया जाता है हमारे पास एनर्जी और स्टीम बनती है. स्टीम जो है वो रिलीज की जाती है टू मेक द रॉकेट गो अपवर्ड. ये जो सब आपको नजर आ रही है बॉटम में, ये स्टीम है. ठीक है, ये स्टीम रिलीज की जाती है जब फ्यूल को बर्न किया जाता है और रॉकेट ऊपर की तरफ फिर मूव करता है. ओके, ये देखें, ये जो स्टीम है ये इर्द गिर्द ये आपको ये आपके रॉकेट को ऊपर जाने के लिए पुश कर रही होती है. एंड देन देयर इज अदर इम्पॉर्टेंट यू नो यूजेज ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, वो है फॉर मेकिंग मार्गरीन. बटर और मार्गरीन में क्या फर्क होता है? इट्स डिफरेंट. ठीक है, बटर भी डिफरेंट है और मार्जरीन भी डिफरेंट है. बटर इज अ डेयरी प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिल्क एंड क्रीम, बट बटर इज इन प्योरली फैट. इट इज अबाउट 20% वाटर एंड ऑल्सो कंटेन मिल्क प्रोटीन्स. वेर एज मार्जरीन इज एन ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट, इट इज टिपिकली मेड ऑफ 80% वेजिटेबल ऑयल. तो इतना ज्यादा ऑयल होता है इसके अंदर, दैट इज वाई मार्जरीन जो है वो इतनी हेल्दी कंसिडर नहीं की जाती है, बटर ज्यादा हेल्दी कंसिडर किया जाता है. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में, हाइड्रोजन गैस के बारे में. जो हमारे पास जो ऑयल होता है उसकी रिफाइनिंग के लिए भी हाइड्रोजन यूज होती है. ठीक है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टूवर्ड्स नाइट्रोजन गैस. ठीक है, नाइट्रोजन गैस इज अ कलरलेस ऑडरलेस. ऑडरलेस का मतलब होता है कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती. It is tasteless and it is mostly inert gas. Inert का मतलब होता है when something do not react. ठीक है, it's a chemical that is very much stable and it is not reactive. ठीक हो गया. We are familiar with the term protein and this thing protein has a very important element in it, which is nitrogen. Without nitrogen, proteins won't be formed. We know that proteins are very essential for the human body, right? They are the important part of our hair and nails. So indirectly, nitrogen is important for the growth and development of both animals and plants. बेटा, जो प्रोटीन होता है उसके बारे में हमें सब कुछ पता, हमें पता है, हम सुनते हैं कि इस खाने में प्रोटीन है, इस खाने में प्रोटीन नहीं है. ये प्रोटीन करता क्या है और इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? इसकी कॉम्पोजिशन में नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. ठीक है, और इसने डेवलपमेंट के और ग्रोथ के रूट को फॉलो करना होता है हमारे इन द एनिमल्स एज वेल एज इन द प्लांट. फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है, नाइट्रोजन बहुत जरूरी है. नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर. आई एम ऑन द सेकंड पॉइंट. नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर सिंस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स एंड अदर कॉम्पोनेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, क्लोरोफिल का भी पार्ट होती है नाइट्रोजन. टू बी न्यूट्रिशियस टू प्लांट, नाइट्रोजन मस्ट बी अवेलेबल इन अ फिक्स्ड फॉर्म. ठीक है, तो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स यूज किए गए हैं, जैसे कि ये बच्चा जो है इसके पास ये जो बैग है इसके अंदर नाइट्रोजन भी
प्रेजेंट है, ये प्लांट्स को नाइट्रोजन दे रहा है, क्योंकि प्लांट्स ने क्लोरोफिल भी नाइट्रोजन के थ्रू ही बनाना होता है. नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज एज अ कूलिंग एजेंट. अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर नाइट्रोजन इज टू यूज इट टू कूल. ठीक है, ये कूलिंग प्रोसेस में भी यूज होता है. जो मशीन्स, जो चीज़ें और दूसरे तरीकों से कूल डाउन नहीं होती, वो फिर हम लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू कूल डाउन होती हैं. इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज़ चीप, एंड इट इज़ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कूलिंग एजेंट दैट इज कैपेबल ऑफ रिजॉल्विंग सम ऑफ द टफेस्ट प्रोसेस कूलिंग चैलेंजेस. ठीक है, नाइट्रोजन गैस आपस में रिएक्ट नहीं करती, सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर द स्टोरेज पर्पजेज. जैसे कि हमें पता है कि ये इनर्ट है, इट इज़ वेरी स्टेबल एंड इट इज़ नॉट रिएक्टिव. ठीक है, तो ये एक्सप्लोसिव स्टोर करने में भी बहुत यूज होती है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन इज द मोस्ट कॉमन केमिकल एलिमेंट फाउंड ऑन और इन अर्थ. इट इज़ वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप एयर. And it is necessary for the survival of all plants and animals. Scientists use symbols to stand for the chemical element. So the symbol for oxygen is O. Oxygen ka beta jo symbol hota hai, that is O. Oxygen usually gaseous form mein found hoti hai. Air contains about 21% of oxygen. ठीक है, 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है. एंड मोस्ट रिक्वायर फायर एटलीस्ट 16% ऑक्सीजन कॉन्टेंट टू बर्न. Oxygen supports the chemical processes that occur during fire. When fuel burns, it reacts with oxygen from the surrounding air, releasing heat and generating combustion products. अब होता ये है कि जब हम किसी चीज को जलाते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि जलाने में यूज होता है. जब हम किसी मैच स्टिक को लाइट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर थ्रोइंग ऑन अ पाइल ऑफ पेपर्स, तो जो ऑक्सीजन सराउंड, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है, हम ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं. कैसे इनहेल कर रहे हैं? क्योंकि वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, प्लांट्स ने हमें प्रोड्यूस करके दी हुई है. तो वो जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो जाती है उस बर्निंग प्रोसेस में भी, और ये कंबस्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ताकि कंबस्शन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो कंबशन के लिए, किसी चीज को जलाने के लिए, दिस ऑक्सीजन गैस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं रॉकेट फ्यूल्स में, आई एम और एट द थर्ड पॉइंट, रॉकेट फ्यूल्स में लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज. उसके साथ साथ उसको जलाने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का भी यूज किया जाता है. गैस का यूज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जो गैस है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड. ठीक है, फर्दर मोर ऑक्सीजन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, प्लास्टिक एंड टेक्सटाइल. इट इज यूज इन द रेस्पायरेशन साइकिल. ठीक है बेटा, रेस्पिरेशन साइकिल के बारे में हमें पता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं. नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स अ सेकंड पॉइंट, यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलीन फ्लेम्स फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग. ठीक है, ये आपके पेज नंबर 46 के ऊपर अंडर द हेडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑन सेकेंड लाइन लिखा हुआ है. It is used in the oxyacetylene flames for cutting and welding. Oxyacetylene flames hote kya hai? It is basically a torch that burns a mixture of acetylene bhi beta ek molecule, ek compound hai, jo ke oxygen ke saath burn karta hai to produce a very high temperature, 3000 degree Celsius. Theek hai? इस टाइम हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज 40 to 50. ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक. लेकिन जब एसिटाइलीन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट किया जाता है और जब ये बर्न करते हैं तो टेम्परेचर पहुंच जाता है 3000 डिग्रीज तक. ठीक है, दिस इज अ वेरी हाई टेम्परेचर. ठीक है, इट कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग. फॉर ये जो बॉटम में आपको पिक्चर है, ये आपने अक्सर देखा होगा. इट इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ यू नो कटिंग स्टील एंड अदर मेटल वर्किंग. एक्सक्यूज मी. नाउ एज वी आर डन विद दिस टॉपिक, वी आर गोइंग टू वर्ड्स द एक्सरसाइज. काइंडली ओपन पेज नंबर 55. काइंडली ओपन पेज नंबर 55 ऑफ योर बुक्स. ठीक है, अब हमने चूंकि एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज. देयर आई हैव गिवन यू
क्वेश्चंस, ठीक है, इन तीन क्वेश्चंस को हम पढ़ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट इज एन एलिमेंट एंड नेम फाइव थिंग्स दैट आर मेड यूजिंग सिंगल एलिमेंट्स. एलिमेंट्स के बारे में हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वी कॉल इट मैटर. एनीथिंग दैट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस इन फ्रंट ऑफ अस इज मैटर. ठीक हो गया. अब ये मैटर कैसे बनता है? मैटर बनता है एटम्स से. ठीक है, एटम्स आपस में मिलते हैं और ये बनाते हैं मैटर. और एटम्स जब प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एटम्स इन द प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब दे आर नॉट कम्बाइंड विद एन अदर एलिमेंट. अगर ऑक्सीजन का एटम है तो वो ऑक्सीजन का ही है, वो किसी और के साथ कंबाइन नहीं किया गया, तब बनते हैं एलिमेंट्स. एंड एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मींस. किसी भी तरह से अभी भी एलिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. इट इज नॉट पॉसिबल टू लिस्ट ऑल द पॉसिबल यूजेस टू विच सिंगल एटम्स एलिमेंट्स आर पुट, बट द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स यूज्ड ऑन देयर ओन आर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, मर्करी, लेड, टिन, जिंक एंड कार्बन. ये सब एलिमेंट्स हैं जो कि सिंगल एटम से बने हुए हैं. हम जैसे कि गोल्ड के बारे में हम जानते हैं, गोल्ड हम पहनते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, सिल्वर के बारे में भी हम जानते हैं, आयरन इज ऑल्सो एन एलिमेंट, कॉपर के बारे में हमने पढ़ा, मर्करी इज एन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द थर्मोमीटर्स, लेड इज ऑल्सो एन एलिमेंट, टिन इज एन एलिमेंट, जिंक एंड कार्बन, इनके बारे में भी हमने पढ़ा है. ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज एन एलिमेंट. वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर वन. इट इज ऑन योर पेज नंबर 55. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू. व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. हमने मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया हुआ है नॉन मेटल्स के साथ. ठीक है, सो वी शुड गिव नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ फाइव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, नॉन मेटल्स के लिए एक हिंट होती है कि दे आर मोस्टली गैसेस. ठीक हो गया. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स भी हमने पढ़े हैं. टिपिकली मेटल इज स्ट्रॉन्ग. वी वर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ सॉस पैन. ठीक है, इट हैज हाई डेंसिटी, इट इज ड्यूरेबल, इट इज मेलिएबल. इसका मतलब है कि ये किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकता है. इट इज डक्टाइल, इट ये शीट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है. इट इज सोनोरस, ये प्रोड्यूस करता है साउंड जब इसको स्ट्रक किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सॉसपेन पकड़ा है एंड इट इज मेड ऑफ मेटल और सॉसपेन आपके हाथ से गिरता है तो यू नो यू कैन हियर द साउंड. ठीक है, विच मीन्स दैट मेटल्स आर सोनोरस एंड इट कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेल. हीट एंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी और साउंड साउंड को जो चीज उसके थ्रू पास करती है उसको हम कहते हैं कंडक्टर. कंडक्टर इज अ मटेरियल थ्रू विच साउंड, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास. तो हमें ये भी पता है कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं. ठीक है, आयरन इज अ मेटल, लेड, टिन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, मर्करी, ये सब मैंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की. यू कैन राइट फाइव ऑफ मेटल्स एंड फाइव ऑफ नॉन मेटल्स. इनके सिंबल्स भी आपने याद करने हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनके सिंबल्स भी याद करें. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन. एन एलिमेंट इज सॉलिड, इट कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इज शाइनी. हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स हैं हीट के भी, साउंड के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, और ये शाइनी भी हैं. ठीक है, शाइनी आप कंसिडर कर सकते हैं गोल्ड को. गोल्ड इज शाइनी, गोल्ड इज मेटल. ठीक है, तो जो मेटल होता है बेटा वो शाइनी भी होता है प्लस वो कंडक्टर भी होता है. तो ये व्हाट डज इट टेल अबाउट द एलिमेंट. हमें खुद ही पता चल गया है कि ये सब जो प्रॉपर्टीज है ये किसकी है, ये मेटल की है. ठीक है, बिकॉज द एलिमेंट इज सॉलिड, इट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज शाइनी व्हेन कट, तो इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट इट इज अ मेटल. ठीक है, आप अपने बुक्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को मार्क कर लें. ठीक है, काइंडली मार्क क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. आई कैन सी नो वन. अब्दुल हादी, ठीक है, इफ्रा अहमद, एना, सब अपने अपनी बुक्स ओपन करें और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को मार्क करें. ठीक है, ओके, गुड. आपने क्वेश्चन नंबर 3 से मार्क कर लिए. Now, is there any question regarding this topic? Okay. Arib,
बेसिकली ये जो होमवर्क था वो हमने चैप्टर नंबर 1 का किया हुआ था, ठीक है? हमने आई वेरी गुड, शाबाश, वेट अ मिनट, ओके। सब बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स वगैरह निकालिएगा और मैं जो हूँ अपनी स्क्रीन भी शो करने जा रही हूँ, ठीक है? तो किसी आने तीन तीन, ठीक है? जिस लफ्ज को उन्होंने जो चाहा बना दिया, भैंसे को जो छोटी है से भैंसा बना दिया। अपनी नजर में सारे मुसलमान भाई हैं, अभी भी डिसेबल है। अपनी नजर में सारे मुसलमान भाई हैं, इनकी नजर में खैर से हम सब भाई हैं, भाई, ठीक है? यानी कि उन्होंने बताया कि वो भाई की जगह भाई लिख देता है, भाई ममदू का इमला। ये भाई ममदू के बारे में, किसी के बारे में लिखा हुआ है उन्होंने कि वो किस तरह जो है अपनी इमला जो है वो गलत लिखते हैं, ठीक है? हम में भी वो लगाते हैं नाहक दो शोशे हे के, दो शोशे हे के, जैसे कि ये दूसरा हम होता है ना, वो ये दो चश्मी वाला हे लगा देते हैं, दो चश्मी हे। आयत में डाल देते हैं हमजा बजाय ए, ठीक है? वो गीज को भी फैज का समझे हैं काफिया, लिखते हैं जाल से जकरिया को जकरिया। कुछ फर्क ही नहीं नजीर और नजीर में, देखें कि उन्होंने लिखने में बताया कि इसमें कोई फर्क ही नहीं है कि नजीर कैसे लिखते हैं और नजीर कैसे लिखते हैं, ठीक है? दोनों को जोए से तो कभी जाल से लिखते लिखें। लिखा अली अल हिसाब अलल टप अलिफ के बिन, यानी के टुक्कों से वो लिखते हैं इसको, ठीक है? हजरत तो मुतमईन को भी लिखते हैं मुतमईन, ठीक है? मुतमईन को भी वो मुतमईन लिखते हैं, जब एन डाल देंगे तो वो मुतमईन बन जाएगा, ठीक है? दरख्वास्त को तो वाओ से लिखते हैं खैर सब, वो कह रहे हैं कि दरख्वास्त को तो खैर सब ही वाओ से लिखते हैं। बर्खास्त में भी डालेंगे वो वाओ बेसबब, बर्खास्त को भी वो क्या करते हैं बर्खवास्त लिखते हैं, बर्खवास्त, यानी कि उसमें भी वाओ डाल देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है,